So welcome everyone. Today is 5th October 2020 and this is lecture 5 of auditing. और इस टाइम पे हमारा चैप्टर 1 चल रहा है ऑडिटिंग का, इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग. और इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज accountancy is a necessity while auditing is a luxury. Important question hai, long answers इसमें से बन सकते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क कर लीजिए. आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि अकाउंटेंसी इज अ नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज अ लग्जरी, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, ऐसे पूछा जा सकता है आपसे. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं, देखो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का मतलब हम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. अकाउंटेंसी क्या है, ऑडिटिंग क्या है, बुककीपिंग क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, ये सब हमने अपनी पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था. सो मुझे अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का मतलब आपको समझाने की जरूरत इस टाइम पे नहीं है. अब मुझे आपको समझाना है कि व्हाट इज अ नेसेसिटी एंड व्हाट इज अ लग्जरी. नेसेसिटी क्या है बच्चे? नेसेसिटी इज एनीथिंग, जो साथ लिखना चाहे वो साथ लिख सकता है, अदरवाइज जो मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगी उसमें से लिख लेना जैसे आपको ठीक लगे. एनीथिंग विच इज नीडेड, कोई भी ऐसी चीज जिसकी जरूरत है टू स्टे अलाइव, जिंदा रहने के लिए. कोई भी ऐसी चीज जिसकी जरूरत जिंदा रहने के लिए पड़ती है या फिर टू मेंटेन वर्किंग कैपेबिलिटी. इसका मतलब क्या हुआ? कार्य करने की क्षमता को बनाए रखना. कोई भी ऐसी चीज जिसकी जरूरत जिंदा रहने के लिए या फिर किसी भी काम की क्षमता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, ऐसी हर चीज को आप नेसेसिटी कहते हैं. और अगर हम लग्जरी की बात करें तो लग्जरी क्या है? ऐसी चीजें जिनके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, थिंग्स विदाउट विच अ पर्सन कैन स्टे अलाइव, जिसके बिना एक इंसान जिंदा रह सकता है. लग्जरी से जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो बढ़ती नहीं. ये दोनों में डिफरेंस है, नेसेसिटी और लग्जरी में. एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि जरूरत का सामान क्या है और लग्जरी का सामान क्या है. अगर हम नेसेसिटी की बात करें तो वी हैव एन एग्जांपल ऑफ हेल्दी फूड. हेल्दी फूड जिसमें अगर हम दाल रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब चीजों की बात करें, हेल्दी फूड इज अ नेसेसिटी, ये जरूरी है, इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते. और अगर हम अच्छा खाना खाएं तो हमारी काम करने की क्षमता बनी रहेगी. और अगर हम लग्जरी की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है फास्ट फूड का. फास्ट फूड इज अ लग्जरी.
फास्ट फूड के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? हम नॉर्मल खाना खाएं तो हम जिंदा रह सकते हैं, फास्ट फूड के बिना हम जिंदा रह सकते हैं, लेकिन फास्ट फूड खाने से हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी बढ़ती नहीं है। अगर हम नॉर्मल खाना खाएं तो उससे हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी बनी रहेगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेसेसिटी एंड लग्जरी। आई होप कि आपको नेसेसिटी और लग्जरी का मीनिंग सबसे पहले समझ में आ गया है। यस मैम। ठीक है जी। अब हम फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि जो अकाउंटेंसी है वो जरूरी है और जो ऑडिटिंग है वो जरूरी नहीं है? फिर हम ऑडिटिंग पढ़ क्यों रहे हैं जब ऑडिटिंग जरूरी ही नहीं है, जब हम उसकी इतनी निंदा कर रहे हैं, तो फिर हम ऑडिटिंग पढ़ क्यों रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा सब्जेक्ट क्यों आ गया? लास्ट में डिस्कस करेंगे बिल्कुल कि ऐसा क्यों कहा गया है। लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि जब जब आप नेसेसिटी की बात करोगे ना, तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखोगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटेंसी के। यहाँ पे आप सारे अकाउंटिंग के एडवांटेजेस की बात करोगे जब आप नेसेसिटी की बात करोगे, और जब आप लग्जरी की बात करोगे तो आपको सारे के सारे डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। किसके? डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसके बाद आप पॉइंट्स अपने आप ही बना लोगे। जब आप अकाउंटेंसी इज अ नेसेसिटी की बात कर रहे हो कि अकाउंटेंसी जरूरी है, तो वहां पर आप अकाउंटेंसी के एडवांटेजेस के पॉइंट्स लिखोगे, और जहां पे आप ऑडिटिंग की निंदा कर रहे हो कि ऑडिटिंग जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, ये लग्जरी है एक, तो वहां पे आप ऑडिटिंग के डिसएडवांटेजेस की बात करोगे। ठीक है। तो अब हमारा ये जो पूरा सेंटेंस है, ये इसको आपने दो भागों में डिवाइड कर देना है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में। जब आपको क्वेश्चन आएगा ये वाला, तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि यस वी एग्री, यस हम मानते हैं कि जो अकाउंटेंसी है वो नेसेसिटी है, वाइल ऑडिटिंग जो है वो लग्जरी है। उसके बाद आप नेसेसिटी का मतलब समझाओगे ये, और फिर आप लग्जरी का मतलब समझाओगे, फिर आप एक एग्जांपल दे देंगे, और उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, और सेकंड पॉइंट में आप डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये दोनों करने के बाद आप लास्ट में क्या कर देंगे, निष्कर्ष, कंक्लूजन लिख देंगे, और यहाँ पे आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाएगा। तो आपका जो इस क्वेश्चन का पैटर्न चलेगा वो इस तरह से चलेगा। तो ये समझने के बाद अब हम इन पर आते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं, फिर हम डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस करेंगे, और इसके लिए मैं अब आपके साथ आपकी बुक शेयर करूंगी। देखिए ये आपकी बुक है, अकाउंटिंग इज अ नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज अ लग्जरी। ये आपकी इंट्रोडक्शन गिवन है। हमें जो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है वो अकाउंटेंसी एज अ नेसेसिटी का पॉइंट डिस्कस करना है, और अकाउंटेंसी एज नेसेसिटी में आप सारे के सारे एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, फायदे डिस्कस करेंगे। किसके फायदे? एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के फायदे। तो क्या फायदे हैं अकाउंटिंग के, अगर हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें? लिमिटेड मेमोरी पावर। जो ह्यूमंस हैं, लिमिटेड मेमोरी पावर है। एक दिन में कितनी सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कितनी सारी अनलिमिटेड बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अगर एक बड़ा बिजनेस है तो वहाँ पे बहुत सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होगी, अगर एक छोटा बिजनेस है तो वहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स तो होती ही हैं। लेकिन क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख सकते, इसीलिए उनको इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ज़रूरी हो जाता है। और इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना किसका काम है बेटा? अकाउंटिंग का काम है। सो अकाउंटिंग का एक फायदा क्या है कि अकाउंटिंग के रहते हुए क्योंकि हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाते हैं, इसीलिए
हमें चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ह्यूमंस की लिमिटेड मेमोरी पावर है, याद रखने की जो शक्ति है वो ह्यूमंस की कम है, इसलिए अकाउंटिंग की जरूरत है. सेकेंड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ एक्चुअल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. हमें ये जानना है कि जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या फिर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेट क्या है. फाइनेंशियल स्टेट में हम क्या डिस्कस करते हैं? फाइनेंशियल स्टेट में हम एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजिशन जानते हैं. तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या प्रॉफिट या लॉस है और कितने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं. हम अपने बिजनेस की एक्चुअल पोजिशन जानना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास अकाउंटिंग है. दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग. थर्ड इज प्रूफ इन कोर्ट. मान लीजिए कि आपके सप्लायर्स के साथ या फिर आपके कस्टमर के साथ आपका किसी तरह का झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो ऐसे में आपको सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए. आप उस पर्सन को कोर्ट में घसीटना चाहते हो तो आपको सबूत चाहिए. ये सबूत कहाँ से मिलेगा? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स सबूत का काम करेंगी. सो अगर आपने रेगुलर इंटरवल्स पे सही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखे हैं तो आप उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एज अ प्रूफ, एज एन एविडेंस कोर्ट में दिखा सकते हैं अगर आपका किसी पार्टी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है. फोर्थ पॉइंट ऑफ एडवांटेज इज नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. लेनदारों की और देनदारों की जो जानकारी है वो आपको पता चलती है बुक्स ऑफ अकाउंट से. और अगर आप आपका कोई जो देनदार है वो आपको पैसे नहीं दे पाता, पैसा रिकवर नहीं कर पाते, तो ऐसे में आप एविडेंस जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं. तो एक टाइम पे अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके डेटर्स और क्रेडिटर्स कौन कौन हैं, तो आप बैलेंस शीट पकड़िए. बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे आपको सारे क्रेडिटर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे एसेट साइड पर, और लायबिलिटी साइड पे आपको सारे के सारे डेटर्स मिल जाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज प्रूफ इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? कंगाल हो जाना. व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? कंगाल हो जाना. और एक बंदा कंगाल कब होता है? जब एक पर्सन की जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा है और एसेट्स कम है. आपने लोगों को पैसा देना है 10 लाख रुपए और आपके पास देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए हैं, ऐसे में आप हो जाएंगे इनसॉल्वेंट. तो आपके जो लेनदार हैं वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, लाओ भैया हमें पैसा दो, लेकिन आपके पास तो पैसा है नहीं. तो ऐसे में आप बचाव के लिए कोर्ट भागेंगे, कोर्ट में भागेंगे और कोर्ट को बोलेंगे कि रहम करो, ये जो क्रेडिटर्स हैं मेरे पीछे पड़े हैं लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं या फिर इतने एसेट्स नहीं हैं जिनको बेचकर मैं इनकी जो उधारी है वो चुका सकूं. तो ऐसे में कोर्ट आपको सुरक्षा कब देगा? जब आप कोर्ट को साबित करें कि आप एक्चुअली में डिसइंसॉल्वेंट हैं, आप एक्चुअली में कंगाल हैं, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे. तो ऐसे में कोर्ट के सामने प्रूफ क्या होगा? आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स. आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे, आप अपनी लायबिलिटीज और एसेट्स की पोजीशन दिखाएंगे कि देखो मेरे पास लायबिलिटीज ज्यादा है और एसेट्स कम है. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको इनसॉल्वेंसी में भी हेल्प करेंगी, इसीलिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है. अनदर पॉइंट इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स. एक बिजनेस को अलग अलग तरह के टैक्सेस पे करने हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी एंड मेनी अदर टैक्सेस.
तो अगर आप टैक्स की असेसमेंट आप देखना चाहते हैं कि कितना कितना टैक्स बनता है, तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके हिसाब से आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं. कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल. अब नाउ व्हाट इज कंपैरेटिव स्टडी? आप देखना चाहते हैं कि 2019 के कंपैरेटिवली 2019 के कंपैरेटिवली 2020 में आपके बिजनेस का क्या स्टेटस है. आप देखना चाहते हैं कि आपके एक्सपेंसेस 19 में कितने थे, 20 में कितने थे. आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो सेल्स है वो 19 में कितनी थी, 20 में कितनी थी. आप देखना चाहते हैं कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन 2019 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी. ये कैसे पॉसिबल है? जब आपने 2019-20 के अकाउंट्स बना रखे होंगे तभी पॉसिबल है ना बेटा. सो अगर आप कंपैरेटिव स्टडी करना चाहते हैं, आप कंपेयर करना चाहते हैं दो सालों के डेटा को, तो आप वो आप तभी कर सकते हैं जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखी होंगी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एडवांटेज इज कन्वीनियंस इन बोरोइंग. बोरोइंग्स क्या है? आप उधार लेना चाहते हैं, आप बैंक से उधार लेना चाहते हैं, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी से उधार लेना चाहते हैं, तो उधार देते हुए बैंक या फिर कोई भी पार्टी ये देखेगी कि क्या आने वाले टाइम में आप उस उधार को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे. आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको आपकी बुक्स चेक करेगा, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करेगा, आपकी बैलेंस शीट चेक करेगा, आपका देखेगा कि हर साल कितना प्रॉफिट आप अर्न करते हैं, क्या आप आने वाले टाइम में ये जो लोन लिया है आप इसको चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे. तो ऐसे में जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं ये हेल्प करेंगी आपको उधार लेने में. अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रखी होंगी तो बैंक आपसे हो सकता है पिछले 5 साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा ले. लाओ पिछले 5 साल की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाओ अपना. उसके बेस पे बैंक ये अंदाजा लगा लेगा कि आप उस लोन को आने वाले टाइम में चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे. सो जो अकाउंटिंग है वो आपको बोरोइंग्स करने में, लोन्स लेने में हेल्प करती है. हेल्पफुल इन सेल ऑफ बिजनेस. आप अपना बिजनेस किसी थर्ड पार्टी को सेल करना चाहते हैं, कितने में सेल करेंगे, क्या सेल कंसीडरेशन होगी, व्हाट इज सेल कंसीडरेशन, कि आप कितने में अपना बिजनेस सेल करेंगे. आपने कहा कि मैं अपना बिजनेस सेल करूंगा 1 करोड़ में, तो सामने वाली पार्टी है ये देखेगी कि क्या आपने ये जो 1 करोड़ रुपीस कोट करे हैं, क्या इस 1 करोड़ रुपीस के अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस है भी कि नहीं. तो ये 1 करोड़ का अंदाजा कैसे लगेगा? आपकी बैलेंस शीट से, आपकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज से पता चलेगा कि आपकी जो बिजनेस की वैल्यू है वो 1 करोड़ है भी या नहीं. कैसे देखा जाएगा? इधर आपकी लायबिलिटीज हैं, इधर आपके एसेट्स हैं, इन दोनों को एनालाइज करके मान लीजिए आपके जो एसेट्स हैं वो 1 करोड़ के हैं और आपकी जो लायबिलिटीज हैं, एसेट्स हैं 2 करोड़ की और आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो 1 करोड़ की हैं, तो ऐसे में जो पेबल लाइबिलिटीज है वो 1 करोड़ की है, बाकी जो है वो आपकी कैपिटल है 1 करोड़ की. तो ऐसे में आपकी जो वर्थ निकलेगी बिजनेस की वो क्या निकलेगी? 1 करोड़ रुपीज. सो जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो बिजनेस को सेल करने के टाइम पे भी आपकी बिजनेस की वैल्यूएशन करने में आपकी हेल्प करते हैं. सेफ्टी अगेंस्ट फ्रॉड. अब फ्रॉड के अगेंस्ट कैसे सेफ्टी होती है, कैसे फ्रॉड से प्रिवेंट करते हैं बुक्स? जब आपके बिजनेस के एम्प्लॉइज को पता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं, तो ऐसे में ना उनके ऊपर मॉरल प्रेशर रहता है, उनके ऊपर ये प्रेशर रहता है कि कहीं हमारी गलतियां पकड़ी ना जाए. तो जो एम्प्लॉइज हैं वो किसी भी तरह की धोखाधड़ी करने से रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो पकड़े गए तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो उनका जो राज है वो खोल देंगे. इसीलिए अगर आप
प्रॉपर इंटरवल्स पे एंट्रीज पास कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो इससे जो इम्प्लॉयज हैं वो फ्रॉड करने से रुकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में कैसे हेल्प करते हैं? अब पार्टनरशिप में आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ा है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पढ़ा है, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये सब पढ़ा है. एडमिशन के टाइम पे आप गुडविल का पैसा मंगवाते हैं पार्टनर से, रिटायरमेंट के टाइम पे आप पार्टनर को पैसा देकर भेजते हैं, डेथ के टाइम पे आप उसके लीगल हायर्स को पैसा देते हैं, और डिसोल्यूशन के टाइम पे आपको अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज को चेक करना होता है ना जी. ये सब चीजें कब पॉसिबल है, आपने किससे कितना पैसा मंगवाना है, किसको कितना पैसा देना है, ये सब कहाँ से पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से ही तो पता चलेगा. बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होंगे तो आप गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, आप पार्टनर्स की अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे, नहीं कर सकते. सो अकाउंटिंग हेल्प्स इन पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस. सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, आपको बिजनेस से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी आपको? बट ऑब्वियस बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. सो जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है, इन केस अगर बिजनेस के मैनेजर को या अगर बिजनेस को किसी ने लोन दे रखा है तो लेंडर को, या अगर बिजनेस में किसी पार्टनर ने इन्वेस्ट कर रखा है या किसी शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट कर रखा है या ऑर्गेनाइजेशन का कोई वर्कर है, इन सबको किसी तरह की बिजनेस इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? अकाउंटिंग प्रोवाइड करेगी. सो इस वजह से जो अकाउंटिंग है वो जरूरी है. दैट इज व्हाई अकाउंटिंग इज नोन एज नेसेसिटी फॉर बिजनेस. अकाउंटिंग तो चाहिए ही चाहिए, अकाउंटिंग के बिना तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गुजारा हो ही नहीं सकता. सो यहाँ पे जब हम ऑडिटिंग की, अकाउंटिंग की नेसेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस लिखने हैं. अपनी तरफ से अगर आप कुछ पॉइंट्स एड ऑन करना चाहते हैं, इसमें आपको लगता है अकाउंटिंग का कोई और एडवांटेज है, तो आप यहाँ पे वो भी एड ऑन कर सकते हैं. अभी हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है. सो जब हम ऑडिटिंग एज अ लग्जरी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सारे के सारे डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग की बात करेंगे, और ये हम डिस्कस करेंगे अपने कल के सेशन में, ऑडिट एज अ लग्जरी. आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है. अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं.